प्रधानमंत्री किशिदा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपये के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फुजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से
धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किसी जी का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।